पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनाव और रस्साकसी पहले भी चलता रहा है, लेकिन ये नई ऊंचाई पर तब पहुंचा जब जगदीप धनखड़ को राज्यपाल बनाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी कभी नहीं बनी और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में हमेशा लगे रहे। इस विवाद में नया अध्याय जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि विश्वविद्यालयों के चांसलर अब राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री होंगे। इससे जुड़ा विधेयक जल्द ही विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, लिहाजा इस संभावित विधेयक के पारित होने में कोई अड़चन भी नहीं है। याद दिला दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 15 जनवरी को एक ट्वीट कर कहा था कि 25 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति बगैर राज्यपाल की मंजूरी लिए कर दी गई, ये गैरकानूनी है। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सोनाली चक्रवर्ती का नाम लेकर कहा था कि बगैर सिलेक्शन ही उन्हें 4 साल का दूसरा कार्यकाल दे दिया गया। इसके पहले एक बार राज्यपाल ने इस पर आपत्ति जताई थी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। इसी तरह जादवपुर विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में पहुंचकर राज्यपाल ने कहा था कि एक केंद्रीय मंत्री का वहां घेराव कर लिया गया था। राज्यपाल ने कई बार ये आरोप लगाया था कि उन्हें विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया जाता है, उनकी अनुमति के बगैर ही कई तरह के अहम फैसले ले लिए जाते हैं। इसी तरह के विवाद दूसरे राज्यों में भी हुए हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री के विजयन पर इसी तरह का आरोप लगाया था और कहा था कि उनकी मंजूरी के बगैर ही वाइस चांसलर को नियुक्त कर दिया गया। इससे चिढ़कर राज्यपाल ने यहाँ तक कह दिया था कि केरल सरकार विधेयक लाकर सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर मुख्यमंत्री को ही बना दें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। केरल में तो खैर ऐसा नहीं हुआ, पर पश्चिम बंगाल में अब ऐसा होने जा रहा है। केरल में CPIM तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और दोनों ही जगहों के राज्यपाल केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किए गए हैं, जहां BJP सत्ता में है।